नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता बुटीक में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पैंट प्लाजो स्टिचिंग करना। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट वन में इसकी कटिंग करना सिखाया था। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको कटिंग करना बताया था, उतनी ही इजी तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, स्किप मत कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं बिना स्किप किए, तो आप उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख सकते हैं और आसानी से अपने लिए पैंट प्लाजो घर पर ही कटिंग करके स्टिच कर सकते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप मुझे वीडियो कैसी लगी। कहीं भी आपको कोई दिक्कत है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है और हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पॉकेट कट करके रखी हुई थी और ये हमारी बेल्ट का कपड़ा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये हमारे जो हमने पीस कट किए थे पैंट के वो हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारे बैक पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट ले लेते हैं और यहाँ पर हम अपने टक्स का निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए, ये हमारा 11 इंच आ रहा है तो यहाँ 5.5 पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और इसकी जो हम यहाँ पर चौड़ाई लेंगे वो यहाँ पर इस तरह से हम 4 इंच की लेंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच की दूरी से, ये देखिए 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर दूरी से हम यहाँ पर इस तरह से निशान को लगा लेंगे। तो ये सेम इसी तरह से निशान को हम इधर भी लगा लेंगे। और इन प्लेट्स को हम इस तरह से पकड़ के यहाँ पर भर लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे प्लेट्स इस तरह से लगा ली हैं। और प्लेट्स लगाने के बाद में ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इसको हम इस तरह से रखते हुए मिला के रखेंगे। देखिए, और यहाँ से हम इस पर सिलाई लगा, तो देखिए हमने इस पर इस तरह से सिलाई लगा दी है, आप देख सकते। देखिए, यहाँ से हमने इसको जॉइंट कर लिया है और इधर साइड में हमें पॉकेट लगानी है। तो देखिए, हम इसको इस तरह से सीधा रख लेंगे और सीधा रखने के बाद में ऊपर से यहाँ से हम देखिए 1.5 इंच को छोड़ देंगे। 1.5 इंच छोड़ने के बाद में यहाँ से हम 5.5 इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे और यहाँ से इतना छोड़ के, ये देखिए हमने इस तरह से लगा लिया निशान। तो ये देखिए, मैंने पॉकेट वाला पीस ले लिया है। तो ये हमारी लंबाई में इस तरह से है, ये देखिए हमने इसको इस तरह से कट किया है। ये देखिए, यहाँ से हम इसको रखेंगे यहाँ पर। पहले हम इसको इस तरह से सीधा रख लेते हैं और जो निशान हमने यहाँ पर इस तरह से लगाया है, ये निशान हमने लगाया, इतना ही निशान हम यहाँ लगा लेंगे और सेम निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ पर एक पैर के मार्जिन से इस तरह से हम यहाँ सीधी सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। तो सिलाई हमें इतने पे ही लगानी है। ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई यहाँ लगा ली और यहाँ से हम इतना जो हमने निशान लगाया था इस पे हम कर लेंगे कट अपना। देखिए, हमने कट कर दिया इतना, ये देख सकते हैं इतना हमने कट कर दिया। और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके ये कोने हम इधर निकाल लेंगे अपने, दोनों ही कोने इस तरह से हम बाहर की साइड में निकाल लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई इस तरह से लगा देंगे। अभी हमें सिलाई जो लगानी है वो इस तरह से हमें इसके ऊपर रखते हुए यहाँ से ऐसे करके लगानी है और ये जो कॉर्नर है हमारे इसको हमें बाहर निकाल लेना है। तो देखिए, ये हमने इस तरह से यहाँ पर हमने लगा दी सिलाई, यहाँ पर हमारी फिनिशिंग से इस तरह से सिलाई लग गई है, आप देख सकते हैं। और इसको हम एक बार फिर से उल्टा करके रख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा उल्टा साइड आ गया और इसको हम देखिए पॉकेट को हम रखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो ये सिलाई है इसको हमें लगा लेना है। तो इसको हमें लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए बेल्ट को हम इस तरह से, ये हमारी पॉकेट है, इसको हम इस तरह से लेंगे
और यहाँ पर हम इस बेल्ट को इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए, हमने नीचे की साइड में इसको इस तरह से, ये देखिए ये हमारा उल्टा साइड है, इस तरह से हमने पॉकेट को इस तरह से पकड़ लिया और इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इतनी सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। बराबर मिलाते हुए इसको रखेंगे हम। तो देखिए ये इस तरह से हमारी सिलाई हो गई और यहाँ से इसको हम अंदर की साइड में इस तरह से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में ये जो नोक है इसकी, इसको हम इस तरह से निकाल देंगे यहाँ देखिए, और यहाँ पर हमने इसको ये लगा दिया। तो अब देखिए इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में यहाँ पर हमने देखिए बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई हम सीधे यहाँ लगा लेंगे बिल्कुल। और इसके बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये वाला हिस्सा हमारा ये दबना नहीं चाहिए, ये हमारा ओपन रहना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जेब यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से लग गई है, फिक्स हो गई हमारी यहाँ पर ये। और फिक्स यहाँ से जो हमारा ये है इसको हम अब ये देखिए दोनों पीस हमारे यहाँ पर ये फिक्स हो गए हैं और यहाँ पर हमारी जेब लग गई है, बन चुकी है। पर हम बेल्ट लगाएंगे तो बेल्ट के लिए देखिए मैं यहाँ पर इसको नाप ले रही हूँ इस तरह से। देखिए ये देखिए हमारे यहाँ पर 17 इंची आ रहा है इस तरह से, तो हम इसकी कटिंग कर ले। तो देखिए इस तरह से मैंने पेस्टिंग बुकरम काट ली है और इसको हम तैयार कर लेते हैं। एक पट्टी मैंने ले ली है और पट्टी को लेके इस तरह से हम मिला देंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं इसको अलग हटा देती हूँ और यहाँ पर इस पर ये चिपकने वाला साइड हम इस तरह से नीचे की साइड रख लेंगे और यहाँ पर एक पैर के मार्जिन से इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। कट कर रही हूँ और अब हम इसको देखिए इस साइड में हम सीधा करके इसको रखेंगे, ऐसे रखेंगे सीधा, यानी कि हमें बेल्ट भी इस तरह से सीधी रखनी है, उल्टा वाला हिस्सा नीचे रखना है और इसको हम इस तरह से रख लेंगे यहाँ पर मिलाते हुए। देखिए और यहाँ से हम पूरे इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर इसमें बेल्ट लगा दी है और बेल्ट को इसको लगाने के बाद अब हम इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में यहाँ पर हम इस तरह से इसको लगा देंगे, फिक्स कर देंगे, यानी कि देखिए इस तरह से हमें रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी फिनिशिंग से यहाँ पर ये लग चुकी है और अब हम यहाँ पर एक किनारी की सिलाई ऊपर लगा देते हैं बेल्ट पे। देखिए इस तरह से हमने बना लिया और यहाँ पर इस तरह से अब हम ये बैक पार्ट ले लेते हैं और जो हमने बैक पार्ट की पट्टी कट की थी इसको हम इस तरह से लेंगे। देखिए यहाँ से जोड़ लगाया है और यहाँ पर हम 20 सेंटर से जोड़ को रखते हुए यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई को लगा लेंगे इस तरह से रखते हुए।
तो देखिए इस तरह से हमारा ये हिस्सा हो गया और हमारी जो कमर है, कमर हमारी यहाँ पर आ रही है इस तरह से 36 इंच में 3 इंची हम यहाँ कम कर देंगे, तो इस तरह से 16 इंची की हम यहाँ पर इलास्टिक ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक इलास्टिक कट करके रख लिया है यहाँ पर 16 इंची की, इस तरह से आप देख सकते हैं 16 इंची की इलास्टिक मैंने यहाँ कट की है और इसको हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए ये इस तरह से हम ले लेंगे यहाँ पर और इसमें मिला देंगे। इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद में यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे। हमने यहाँ इसको लॉक कर दिया और पूरे इसको हम यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको निकाल लिया यहाँ पर और यहाँ से इसको हम लेते हैं, यहाँ पर भी हम इसको लॉक कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से हमारी लॉक हो गई और इस तरह से हम इसको सिली खींच लेंगे और यहाँ पर हम बीच की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसको हल्का हल्का सब यहाँ से हम खींच करेंगे। उधर है वो तो यहाँ देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर प्लास्टिक इस तरह से लग गई है और अब हमारा यहाँ से ये तैयार हो गया, ये भी हमारा तैयार हो गया और हमारा अब ये हमारा ये फ्रंट पार्ट जो है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर इस तरह से और हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इतना हमें यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है तो लगभग इसका 2.5 इंच हम यहाँ पर रोकते हुए इस तरह से हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है, यहीं तक सिलाई लगाएंगे ऊपर से लेके नीचे तक और सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी। ये देखिए ये हमने साइड वाला इस तरह से निशान ले लिया और यहाँ इसको हम बराबर रखेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ तक हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम यहाँ से बराबर रखेंगे और जो हमने ये सिलाई लगाई हुई है इसी सिलाई पे हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसको हम इधर साइड में रखते हुए यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से बराबर ये सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने निशान लगाया है, मैं यहीं तक इसको सिलाई लगा लेनी है। इसको हम सीधा करके रखेंगे और ये जो हमारा हिस्सा है इसको हम इतना इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर अभी हमने सिलाई यहाँ पर इस तरह से लगा ली है और लगाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पर। ये देखिए जितना हमने कट लगाना है या जितना हमें मोड़ना है इतना हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए हमने इसको छोड़ा था 2.5 इंच, तो ये देखिए यहाँ पर 1/2 इंच हमने ऊपर फोल्ड कर दिया और इतना हमारा बचा, तो इसको हम इतना ही यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
देखिए इतना हमने लगा दिया और सेम यही वाला हम इस तरह से रखेंगे। देखिए इसको हम 2 इंच नाप लेंगे इस तरह से और रखने के बाद में इसकी ढिलाई हम इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पर भी हमें इस तरह से ही सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हम कट कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमारे यहाँ पे कट आ गया और ये जो हमारा इतना हिस्सा ये खुला रह गया है तो हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जहाँ तक हमने ये कट लगाए हैं सिर्फ हमें यहाँ तक सिलाई को बंद कर लेना है इसको लगा के। देखिए यहाँ तक जो हमने सिलाई लगाई है यहाँ तक हमें इसको बंद कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में अपने कट को हम सीधी साइड में टर्न कर लेंगे इस तरह से और ये देखिए किसी भी नुकीली चीज़ से आप निकाल सकते हैं। मैं ये इस तरह से कैची से इसके कोने निकाल रही हूँ बाहर की साइड में। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिनिशिंग से हमारे यहाँ पर साइड का कट बन के तैयार है इस तरह से और यहाँ पर हम इतनी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर किनारे से। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा इजीली यहाँ पे कट बन गया है और ये देखिए इधर से भी हमारे यहाँ पर ये कट बन के इस तरह से पूरा फिनिशिंग के साथ तैयार है। सेम इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं। इस तरह से हमारा ये भी बन के तैयार है। दोनों पैचे मैंने इस तरह से बना दिया और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए देखिए इसको हम इस तरह से ले लेते हैं, कोई भी एक पैचा आप ले लीजिए और यहाँ से इसको मिला के रखना है। देखिए इस तरह से हम इसको मिला के रखेंगे और आपको जितना भी पैचा यहाँ चाहिए होगा उतना आप रखिए। कि देखिए मैंने इस तरह से यहाँ मिला के इसको रख लिया है। मुझे यह मोरी चाहिए यहाँ पर 5.5। देखिए 5.5 मोरी रखते हुए यहाँ पर हम इस तरह से बिल्कुल किनारे से पूरी हमें यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ से जो हमारा ये क्रॉच एरिया है इसको हम इस तरह से मिला के पर मिला के रखेंगे और यहाँ से भी हम 5.5 इंच का इस तरह से निशान यहाँ लगा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ से हमारी पूरी फिटिंग इसकी इस तरह से लग चुकी है और फाइनली हमारे यहाँ पर ये बनके इस तरह से तैयार हो गया है और अब हमें इसको सीधा कर लेना है।